गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक लाए हैं 10+2 केमिस्ट्री से है और टॉपिक यूनिट 9 से है। इन यूनिट का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और आज का जो टॉपिक हम इस यूनिट से लाए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लाए हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट्स। तो शुरू करते हैं 10+2 केमिस्ट्री से। आज का जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट्स। जो डबल सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वो जो उनकी जो फॉर्मेशन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड से होती है। इसी तरह से जो डबल सॉल्ट्स होते हैं इनकी फॉर्मेशन भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड से होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट्स के बीच में, बहुत सा डिफरेंस होता है। इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, इनकी वर्किंग में पूरी तरह से डिफरेंस होता है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट लेते हैं डबल सॉल्ट्स के बारे में कि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। डबल सॉल्ट्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय टू अपेरेंटली सैचुरेटेड कंपाउंड्स बट दे लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। ऐसा बोल सकते हैं कि वो लूज कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी दो या दो से अधिक सैचुरेटेड कंपाउंड से बनते हैं, स्टेबल कंपाउंड से बनते हैं, जैसे डबल सॉल्ट बनते हैं। लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, ये लूज नहीं करते अपनी आइडेंटिटी को, चाहे सॉलिड स्टेट में हो या फिर इन सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन फॉर्म में हो या वाटर में इसको डिसॉल्व किया जाए, तो इनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती है। ये फर्स्ट डिफरेंस था डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। सेकंड डिफरेंस हम लेते हैं, डबल सॉल्ट का एग्जांपल है जैसे मोहर सॉल्ट है ये, और पोटासियम है, ये भी डबल सॉल्ट होता है, और भी बहुत सारे ऐसे डबल सॉल्ट होते हैं। दूसरी तरफ या एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जब डिफरेंस आप लिखेंगे तो दूसरा डिफरेंस आपका एग्जाम्पल हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एग्जाम्पल, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इसमें पोटासियम फेरोसाइनाइड है, उसके साथ साथ यहाँ पे सिंपल से ले रहे हैं हम कि टेट्रा कार्बोनिल निकल है, ये आप डिफरेंस दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल्स आप डिफरेंस में ले सकते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच। थर्ड डिफरेंस है द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड द डबल सॉल्ट्स। तो डबल सॉल्ट्स की जो अगर प्रॉपर्टीज हम लें तो वो सेम रहती हैं, सिर्फ उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स की होती है। और दूसरी तरफ अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं जिनसे वो बने होते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि डबल सॉल्ट्स जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं, वो चेंज नहीं होती हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं जिनसे वो बने होते हैं उनसे डिफरेंट होती है। नेक्स्ट और जो लास्ट डिफरेंस है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में, वो है कि जो डबल सॉल्ट्स होते हैं उनका जो मेटल आयन होता है वो मेटल आयन्स नॉर्मल वैलेंसी को एग्जिबिट करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल आयन्स हैं, जिनको हमने सेंट्रल मेटल आयन्स भी बोला था, वो अपनी जो नॉर्मल वैलेंसी है उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो उससे ज्यादा वैलेंसी रखते हैं। अब हमने थोड़ा सा समझना है, जैसे डबल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट डिफरेंस हमने लिया था कि डबल सॉल्ट सैचुरेटेड कंपाउंड से बनते हैं और अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर या व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो ये जो डबल सॉल्ट होते हैं, जैसे आप देखें ये बनते हैं, जैसे मोहर सॉल्ट का एग्जाम्पल हमने दिया था, एग्जाम्पल से लेते हैं हम, जैसे ये मोहर सॉल्ट है, इसका हमने एग्जाम्पल लिया था। तो मोहर सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड 6H2O, ये फॉर्मूला होता है। तो दो सॉल्ट से मिलकर बनता है ये, एक फेरस सल्फेट्स और दूसरा अमोनियम सल्फेट। ये प्रैक्टिकल भी है, हमें प्रैक्टिकल में भी इसको करते हैं। और वैसे ही पोटासियम में क्या होता है, पोटासियम और एल्युमिनियम होता है। एक पोटासियम सल्फेट होता है K2SO4, पोटासियम सल्फेट का सॉल्ट होता है, दूसरा एल्युमिनियम सल्फेट होता है। और इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इनको, ये 24 होते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो मोहर सॉल्ट है ये दो अलग अलग स्टेबल कंपाउंड से बना हुआ है, एक फेरस सल्फेट है, दूसरा अमोनियम सल्फेट है। और पोटास एलम दो अलग अलग स्टेबल कंपाउंड से बना हुआ है, पोटासियम सल्फेट से और एल्यूमिनियम सल्फेट से। लेकिन यहाँ जो बात करते हैं हम इसकी, पोटासियम फेरोसाइनाइड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो ये जो पोटासियम फेरोसाइनाइड है ये और जो टेट्रा कार्बोनिल निकल है,
इनकी प्रेपरेशन भी स्टेबल कंपाउंड से ही होती है, लेकिन जब हम इनको सॉल्यूशन फॉर्म में ले जाते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे फेरस और साइनाइड अलग अलग नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो जैसे मोर सॉल्ट मैंने बताया, तो मोर सॉल्ट में फेरस आयन अलग हो जाएगा, सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, अमोनियम आयन अलग हो जाएगा। नीचे अगर पोटास एलम की बात करें तो पोटास एलम में पोटासियम आयन अलग हो जाएगा, सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयन अलग हो जाएगा, मतलब डिसोसिएट हो जाता है ये आयनिक फॉर्म में। ये कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स में पार्शियल डिसोसिएशन होती है, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है वही डिसोसिएट होगी, जो सेकेंडरी वैलेंसी है जो कोऑर्डिनेशन सफियर होता है वो डिसोसिएट नहीं होता सॉल्यूशन फॉर्म में, इसलिए ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है और ये नहीं रखता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो डिफरेंस लिया था कि जो डबल सॉल्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूएंट्स कंपाउंड्स की तरह ही होती है, तो ये सही बात है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऊपर जो पोटासियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो पोटासियम सल्फेट को जब हम एक्वस कंडीशन में ले जाते हैं तो ये पोटासियम आयन और सल्फेट आयन में कन्वर्ट होगा। अगर सिंगल सॉल्ट है, पोटासियम सल्फेट है, तब भी ऐसा ही होगा, और अगर पोटास एलम में है, मतलब वो डबल सॉल्ट फॉर्म में है, तब भी वो डिसोसिएट होकर अपने आयन्स देगा, तो उनकी वर्किंग वैसे रहेगी। लेकिन जहां तक डबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात है तो इनकी प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट होती है क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। उसके बाद जो लास्ट डिफरेंस हमने लिया था कि डबल सॉल्ट जो होते हैं वो नॉर्मल वैलेंसी को रिटेन करता है, या इसकी जो वैलेंसी है जो भी सेंट्रल एटम होता है इसके अंदर वो नॉर्मल रहती है। जैसे कि अभी हमने लिखा मोहर सॉल्ट, तो मोहर सॉल्ट में हमने फेरस सल्फेट लिखा, तो फेरस सल्फेट में जो इसकी वैलेंसी है आयरन की वो वैसे ही नॉर्मल वैलेंसी की तरह काम करता है, जैसे 2 पॉजिटिव आयरन होता है तो सल्फेट 2 नेगेटिव होता है, तो इसका फॉर्मूला फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6H2O है, तो इसमें वैलेंसी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें जैसे पोटासियम फेरोसाइनाइड के हम बात करते हैं, K4 है, FeCN6 है, तो इस केस में देखो आयरन ने अपनी जो नॉर्मल वैलेंसी है उसको छोड़ करके अपनी वैलेंसी को यहाँ पे बढ़ा लिया है, तो यहाँ 6 तक चला गया है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहाँ पे बना रहा है, जबकि फेरस के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों जगह पे फेरस ही है, यहाँ भी Fe2 पॉजिटिव है और यहाँ भी Fe2 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे इसने नॉर्मल वैलेंसी से हट कर काम किया है और इधर नॉर्मल वैलेंसी के साथ ही काम किया है। ये सिंपल डिफरेंसेस हैं डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में, ये डिफरेंसेस आपको तैयार हो जाने चाहिए। एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन देते हैं कि जो हमारे डबल सॉल्ट्स होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड से बनते हैं, दो सैचुरेटेड कंपाउंड्स दो सॉल्ट्स को मिक्स करके बनाया जाता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दो या दो से अधिक जो स्टेबल कंपाउंड्स है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, वो उनसे बनता है। लेकिन जो डबल सॉल्ट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लूज नहीं करते हैं। दूसरा डिफरेंस आप एग्जांपल से देंगे, तीसरा डिफरेंस आप प्रॉपर्टीज पे देंगे कि जो प्रॉपर्टीज डबल सॉल्ट्स की होती है वही उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की होती है, या कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स की बोलेंगे यहाँ पे हम, और दूसरी तरफ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं जिनसे वो बने होते हैं, और लास्ट जो डिफरेंस मैंने नॉर्मल वैलेंसी और मोर देन नॉर्मल वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मोर देन नॉर्मल वैलेंसी के साथ काम करते हैं और डबल सॉल्ट्स जो है नॉर्मल वैलेंसी के साथ काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।